हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिए। फ्रेंड, लेटेस्ट अभी MRF से ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर को मैंने कवर किया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। आने वाले टाइम पर इस शेयर में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक और FMCG स्टॉक से ही बात करेंगे। पहले भी दो तीन बार बात कर चुके हैं। 3000 पे शेयर था तब भी बात की, उसमें 3500 पे भी, 4000 पे भी और 4500 को भी क्रॉस करने वाला शेयर। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये शेयर। इस शेयर का नाम पढ़ सकते हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट। मैंने कई बार इसका वीडियो को कवर किया। मैंने हमेशा हर हफ्ते एक वीक में एक बार तो वीडियो में इसकी बनाता हूँ, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग होती जा रही, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, एक दिन में 0.23, 5 डेज में 5% की रिटर्न है, 1 मंथ में 15% के रिटर्न, 6 मंथ्स में आप देख सकते हैं 55% के रिटर्न। मतलब जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा रिटर्न इस शेयर में। एक साल की जनवरी से अभी तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 58%, एक साल की परफॉर्मेंस देख लेते तो एक साल में 110% के रिटर्न दे रहा है। तो सोच सकते हैं, 110% रिटर्न अगर आपको पास FD में पैसा रखते हैं तो 110% कमाने में आपको कितने साल लग सकते हैं। अगर 8% के हिसाब से भी दे तो 15 से 20 साल, बट ये शेयर में आपको सिर्फ एक साल में इतने रिटर्न मिल जाते हैं। प्लस इसमें कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। अगर आप FD करते तो उसमें टैक्सेस ज़रूर लगते हैं फ्रेंड्स। जब भी आप FD तोड़वाएंगे तो आपको टैक्स ज़रूर पेड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि FD से भी लाख गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 ईयर में 616% के रिटर्न दे चुका है कंपनी। एक बार थोड़ी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं 616% के रिटर्न दिए हैं। तो यही इसका मैक्सिमम रिटर्न है, क्योंकि कंपनी लिस्टेड हुई थी फ्रेंड 2017 में, मार्च 2017। अभी कंपनी को साढ़े चार साल कंप्लीट हुए और कंपनी ने अभी तक 600% के रिटर्न दे चुके हैं। मतलब कि हमने अगर एक शेयर लिया होता तो आज एक शेयर की वैल्यू आपकी 4400 जाती। जब आपने फर्स्ट एक शेयर लिया होता उसकी वैल्यू कितनी होती, मात्र 620 रुपये करीब। 620 रुपये का शेयर आज 4500 रुपये के भी ऊपर निकल गया। धीरे धीरे इसका मार्केट कैप भी देखेंगे, बहुत ही अच्छा बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट कैप भी देख सकते 2.86 लाख करोड़ है। ओपन हुआ था फ्राइडे दिन की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 44,000, हाई लगाया था 4461, लो बनाया था 4405। 52 वीक हाइक देख लेते हैं तो कंपनी का 4500 का 5200 का हाइक है और लो है 2000 रुपये करीब का। तो फ्रेंड्स, कई बार इसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही थी कि जो इनके CEO है वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट वो हो गए हैं, क्योंकि उनका 5000 करोड़ का उनका इनकम हो रही। तो आप सोच सकते हैं इनके जो CEO हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मल्टी बैगर, फुल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। कंपनी के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। कंपनी का अपन कंपनी के NSE की साइट पे आ गए तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को फेस वैल्यू 10 का ही है, मतलब एक बार भी स्प्लिट भी नहीं दिया। और एक और चीज़ है, कंपनी का भी 52 वीक हाइक दिखा देता हूँ। 52 का हाइक ये देख सकते हैं, अपन पहले कवर कर चुके हैं। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो कंपनी में देख सकते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर को 1 रुपये का डिविडेंड भी नहीं देती, ना इंटरन डिविडेंड। मतलब कंपनी जो भी पैसा रिटर्न में आपको दे रही है वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर को अपनी कैपिटल बढ़ा के, मतलब कि जो शेयर 600 रुपये का था वो 4 साल में 4500 रुपये का हो चुका है। तो ये आने वाले टाइम पे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। कंपनी रेगुलर अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही करता जा रहा है, कंपनी रेगुलर अपने स्टोर एड ऑन करती ही जा रही है। कंपनी का फ्राइडे दिन के परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कितने परसेंट की डिलीवरी उठाई थी। तो फ्राइडे दिन देख सकते हैं फ्रेंड्स, करीब 45% की डिलीवरी उठाई शेयर में। मतलब बहुत अच्छी डिलीवरी भी इस शेयर में उठाई जाती है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो कोई सारे शेयर जितने 25:75 का RBI NSE बोलता है उतना ही रेशियो शेयर होल्डर प्रमोटर ने रखे हुए हैं, एक भी शेयर गिर भी नहीं रखा है। फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं, पर साल से 2017 में 11,900 करोड़ का बिजनेस करती थी, फिर 15,000 का बिजनेस करती, फिर 20,000 करोड़ का बिजनेस, नौ 24,000 करोड़ का बिजनेस, इस टाइम 24,000 करोड़ का सेम है, क्योंकि कोविड के कारण थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था बट इतना इफेक्ट नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, 490 करोड़, 780 करोड़, 900 करोड़, 1300 करोड़, नाउ 1100 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही। तो इतना प्रॉफिट जब जनरेट कर रही है पूरे साल भर में,
तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप इनका इन्वेस्टमेंट जान सकते हैं। रेगुलर अपने स्टोर एड ऑन पे एड ऑन करते ही जा रहे हैं। कंपनी का आप सुनते ही होंगे, कभी भी न्यूज़पेपर में आता रहता है कि कंपनी ने ये एक और बिल्डिंग बाय कर ली। ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस ये है कि अपनी खुद की बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, जहाँ पे किसी को रेंट नहीं देना चाहते हैं। ये 20,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्टोर बनाते हैं, जिसको ये बाय कर लेते खुद ही। मतलब 20,000 स्क्वायर फीट आप सोच सकते हैं, उसकी आने वाले टाइम पे वैल्यू भी तो बढ़ेगी उस प्रॉपर्टी की। तो जो भी इनका डायरेक्ट जो भी 35-40% का इनका प्रॉफिट होता होगा, तो वो पूरा पूरा इनको ही बचता है। सिर्फ इनको सैलरी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी सब इनका। तो इसलिए नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ता ही जा रहा है इनका आने, देख सकते हैं। EPS भी देख सकते हैं, 8 का 16 हो गया, जस्ट डबल हो गया 4 साल में। कंपनी के क्वार्टरली वाइज देख सकते हैं, तो क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू देख लीजिए, तो लास्ट क्वार्टर जून में 3800 करोड़ का बिजनेस था, फिर 53 करोड़ का, फिर 7500, फिर 74, नाउ थोड़ा कोविड के कारण 5100 करोड़ का बिजनेस है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, लास्ट टाइम जून का जो था 40 करोड़ का बिजनेस किया था कंपनी ने, फिर कंपनी ने 2020 में 200 करोड़ का, फिर 446, मार्च 2021 का देख सकते हैं 413 करोड़ का। इस टाइम जून में थोड़ा कम हुआ था क्योंकि कंपनी के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। अर्निंग EPS भी देख सकते हैं, तो कंपनी का EPS पहले 0.62, 3.07, 6.40, नाउ 1.47। इस टाइम थोड़ा EPS और नेट प्रॉफिट थोड़ा कंपनी का कम हो गया क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के कारण। फ्रेंड्स, कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं 5000 करोड़ के थे, फिर 10000 करोड़, नाउ 11600 करोड़। मतलब कंपनी के रिजर्व बहुत ही शानदार बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा तो बिल्कुल नहीं है, जीरो कर्जा है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में पहले कर्जा था 3 करोड़ का, बट कंपनी इस टाइम पे प्योर डेब्ट फ्री हो चुकी है कंपनी। मतलब आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, कर्जा घट गया है। मतलब ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेट इसके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो नेट प्रॉफिट आता है कंपनी का, अर्निंग पर शेयर, वो डेफिनेट ऊपर जाएगा क्योंकि कंपनी को एक रुपये का भी कर्जा नहीं बचा है। कंपनी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी देख सकते हैं, कंपनी का इसलिए 200 करोड़ था, फिर 92 करोड़, नाउ 1400 करोड़ का कंपनी का कैश है। मतलब इतना ज़्यादा कैश है, इतना अच्छा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आने वाले डेफिनेट टाइम पे ये 10,000 तक भी जा सकता है स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस शेयर में निफ्टी 50 में आने वाला था, बट कंपनी आज टाइम पे नहीं आई, बट नेक्स्ट कुछ ईयर में कंपनी ज़रूर एंटर होगी निफ्टी 50 में। तो आप जान सकते हैं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या, आप इससे नेस्ले इंडिया को भी कंपेयर कर ले, टाटा कंज्यूमर को भी कंपेयर कर ले, और जो भी FMCG के स्टॉक है सबसे कंपेयर कर ले। सबसे बेस्ट रिटर्न आपको बता दूं FMCG में सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट के, कोई भी शेयर से आप कंपेयर करके देख लेना इसको, तो सबसे अच्छे रिटर्न यही शेयर दे रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, कंपनी का आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, एकदम अप ट्रेंड्स में लेफ्ट टू राइट पूरा अप सी जा रहा है, कहीं पे भी इसकी गिरावट नहीं दिख रही ना, 2021 की भी गिरावट, 2020 की भी नहीं दिख रही जब कोविड एंटर किया था। तो ये सब देख सकते हैं कि कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कंपनी का माल लेने के लिए फटाफट कोई भी रेडी है, कि कंपनी का माल जो भी बेच रहा है कंपनी उसका दूसरे माल उठाने को रेडी है। कंपनी का 75% तो होल्डिंग सिर्फ आप जान सकते हैं प्रमोटर की, मतलब सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा शेयर में, तो प्रमोटर को ही होगा। तो आप जान सकते हैं 4500 का ये शेयर हो चुका है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं के प्रमोटर को हो रहा, दमानी जी को इनका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है, तभी इनकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में आपको भी अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये शेयर में डेफिनेट इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए कम से कम 5-10 साल के लिए, तो आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आने वाले टाइम पर आप बहुत अच्छे रिटर्न पा सकते हैं शेयर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें अच्छा खासा रिटर्न भी कमाएंगे, प्लस अच्छा खासा नॉलेज भी लेंगे। तो वी विल अनदर वीडियो।